पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर एवं विभाग की टीम ने केनाल रोड में नो पार्किंग में खड़े 12 भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही वाहन मालिकों को केनाल रोड में भारी वाहन नहीं खड़ा करने निर्देश दिए। केनाल रोड पर भारी वाहनों के अवैध रूप से खड़ा होने के कारण हर वक्त दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता था, जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में यातायात विभाग के कर्मचारियों द्वारा केनाल रोड में अवैध रूप से खड़े भारी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन मालिकों को अपने भारी वाहनों को केनाल रोड में नहीं खड़ा करने निर्देश दिए गए और भविष्य में वाहनों को खड़ा करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कार्रवाई की जानकारी डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। केनाल रोड में लगातार शिकायतें ये मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकें खड़ी रहती है, जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है और दुर्घटना की संभावना भी लगातार बनी रहती है। तो कल हम लोगों ने यातायात पुलिस की टीम के साथ वहाँ पे 12 ट्रक चालकों पर कार्रवाई की है और फाइन भी किया है और उनके मालिकों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि इस रूट में किसी प्रकार के वाहनों की पार्किंग न करें और वहाँ पर यदि कोई चालक वहाँ रहता भी है तो वो अपने ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन को पार्क करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और वहाँ पर लोग परेशान न हो जाम की स्थिति निर्मित। गौरतलब है कि भारी वाहनों के केनाल रोड में खड़े होने की वजह से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है, जिससे आवाजाही करते अन्य वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना होने की संभावना हर वक्त बने रहती थी। इसे देखते हुए पूर्व में वाहन मालिकों को समझाइश दी गई थी, जिसका असर नहीं होने पर अब नो पार्किंग के तहत कार्रवाई की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।